नाजीन ए पाकिस्तान में खुश आमद मैं हूँ हसन कमान जैसा कि नाजीन आपको पता है हम लोग अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहते हैं और हम लोग ये इन चीज़ों पर फोकस करते हैं वो जो डे टू डे इशूज़ हैं उस पर हम ज़्यादातर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं हम उन पर करते हैं इशूज़ पर जो पाकिस्तान के साला बसाल इशूज़ हैं और उनका हमें उन उन मसलों का हमें हल भी आगे कुछ दिख नहीं रहा है आज हमारे साथ और मेहमान हैं अरुण साहब हैं हमारे साथ है हमार Uh, इनसे हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान के मसले पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन टेररिज्म जो कि आजकल के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर हाउ डू यू सी इन पोस्ट में टू अगर हम बात करें देखिए अभी तो एक बड़े सीरियस क्राइसिस में हम फंस गए हैं और जब हमारी पॉलिसीज डिसकोआर्डीनेटेड uh, हों बिटवीन द इंटेलिजेंस एजेंसीज़ एंड बिटवीन बिटवीन द गवर्नमेंट उसका फिर नतीजा इस तरह की चीज़ जब भी ऐसा इवेंट होता है इसके पीछे एक बहुत जस्ट लाइक पंडोरस दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड अब ये कॉम सिर्फ सवालात के थ्रू ये जाना चाह रही है कि हुआ क्या हुआ क्या बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी इन्वेड हुई ट्रूप्स ऑन ग्राउंड आए एक ऑपरेशन कंडक्ट हुआ और उसके बाद एक फॉरेन कंट्री ने विक्ट्री क्लेम की और पाकिस्तान पे ये डाल दिया कि जी वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड पर्सन वाज़ रिजाइडिंग राइट अंडर योर नोज क्लोज टू पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी so where was your army and where was your intelligence? and then for the last 10 days, they're trying to belittle pakistan uh, and they're trying to put the pressure on pakistan. so something really went wrong. and i think not just something, a lot of things went wrong. and then government's response, uh, the way they have changed, the thing they started by congratulating and then writing an article, the president of pakistan wrote an article welcoming this operation. and then uh, uh, absolutely, uh, quiet for, for days and then the prime minister comes out and he says yes there has been an intelligence failure and now just today the prime minister is saying that there is a total disconnect between the cia and isi and uh, if the public of pakistan rise against america what can i do so <laughs> you cannot run the state like this uh, look how coordinated the, uh, the american effort was I mean they've claimed victory and they've put uh, they've tried to put Pakistan uh, uh, under pressure and shove it in the, in the corner. So we've got to do something I mean Sir, you said that the country got invaded, but don't you consider you extremismek invasion the most wanted man was actually in Aptabad, right? या हम अभी भी उस उस फेज में हैं हम उसको डिनई कर रहे हैं बिकॉज द इज़ लॉट ऑफ डिनाई क्यों हम लोग देखिए पाकिस्तान में दिस इज वन थिंग कि वी टेंड टू शव एवरी थिंग एज यू पुट वेरी सक्सेंटली इन फैक्ट के अंडर द रग कि जी ये तो हुआ ही नहीं दुनिया हमारे खिलाफ है इन इन आर प्रोग्राम हम लोग ये एम्फरसाइज जरूर कर, करते रहे हैं और करते रहेंगे कि जितने भी टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंस हुए हैं uh, उसमें कोई भी अमरीकन नहीं था सुसाइड बॉम्बर

My work experience, all that, and then I came here and, and I've been here for almost 18, 19 years in Polit Pakistan. So I know both the side, and I try to have a fair picture, a balanced picture of what is happening. Your is absolutely But where did it start from? Soviet Union, the Soviet Empire invaded Afghanistan. Okay? We were left alone. We were facing the Soviet Empire, and I told that when Ziaul कार्टर से बात की तो उसने कहा कि 400 मिलियन डॉलर पाँच साल में ले लो वॉज एन इंटरेस्टेड बिकॉज निकरागुआ में उनको प्रॉब्लम हो रही थी एंड देर वॉज लॉट ऑफ टॉक अबाउट अमेरिका सॉर्ट ऑफ निगोशिएटिंग विद द सोवियत यूनियन दैट गिव अस गिविकागुआ एंड टेक अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के ये हालात थे और पाकिस्तान ने एक एफर्ट शुरू किया और जब गवर्नमेंट चेंज हुई कार्टर की और रेगन आया और उसके बाद सी आई ए चीफ के सी आया तब उन्होंने हमारी इस एफर्ट को सपोर्ट करना शुरू किया दैट वॉज आवर वॉर वी स्टार्टिड द वॉर अमेरिकन्स का ख्याल हुआ कि ये मुजाहिद नहीं तो जीत सकते हैं तो उन्होंने सपोर्ट किया ठीक है आई वुड नॉट गो इन टू द हिस्ट्री नाइनटीन एटी सेवन में जब सोवियत ट्रू विड्रॉल शुरू हुआ और उसके बाद जो सोवियत यूनियन को धक्का लगा सारा कुछ हुआ वट डिड अमेरिका डू आफ्टर द प्लेन क्रैश हाउर इट हैपन आई डोंट गो इन टू दैट वो वॉट हैपन सडनली अमेरिका डिजर्टेड दिस रीजन दे लेफ्ट अस टू रॉट एंड हैंडल ऑल दीज पीपल ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर सेल्व येस वी मेड मिस्टेक्स यस, दैट वॉज प्राइमरली आर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इन मुजाहिदीन को कन्वर्ट किया इन टू तालिबान और यही मुजाहिदीन फिर बाद में टेररिस्ट बने उसमें अमेरिका की भी गलती है और हमारे सर के ऊपर छोड़ के हम पे सेंक्शंस लगा दी उन्होंने तो नेवर फोकेट दैट और अमेरिका की हिलरी क्लिंटन की स्टेटमेंट है

I will not give a sweeping statement. I mean, I, I, तो by, by saying all that, तो I don't mean से. that we should kick America out once and for all and say diplomat. I, 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 mean, that's not going to work out. So, ab aajay is baat ki upar. 9/11 ho jaata hai. ठीक है जी और नाइन इलेवन में जो उन्नीस टेररिस्ट थे उनमें से एक का भी रिमोटली पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं हाँ वो माउंटेन्स में कहीं आ, इन लोगों को मिलने आया था

यर ऑन दिस इशू नाइन अलेवन होता है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक डिक्टेटरशिप थी ठीक है वो सबसे बड़ा हमारा मसला अमेरिका ने थ्रेड किया यह किया वो किया अमेरिका वॉज रियलीवर वेल्डा वॉज ट्रेजिक दैट बट उस रिएक्शन में दे अमेरिकन आर उन्होंने कहा पाकिस्तान को स्टेट में दिला दी कि अमेरिका कैन यूज इन ऑल दैप और पाकिस्तान ने उसके बाद इसकी सपोर्ट की कौन सी कंट्री है जिसने अपने बेसिस उनको दिए जैकवाबाद हमने उनको दिया कि आओ आप इसको इस्तेमाल करो अब जो मर्जी कहेंगे कि नहीं वो आना था सपोर्ट था ये वो बेसिस आज तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी कंट्री है दुनिया की जो ड्रोन्स उनको इजाज़त दे रही है कौन सी कंट्री है जिसने पैंतीस हज़ार जो है लाशें खाई हैं इस वॉर ऑन टेरर के कौन सी फौज है जिसने पाँच हज़ार लोग शहीद हुए हैं पूरे नेटो अलायंस के दो हज़ार ढाई हज़ार हुए सो हमारी कुर्बानी हैं यू के नॉट फॉरगेट एंड इग्नोर दैट मेरी और आपकी लाइफ इस कंट्री में आज हम से हैं, तो हमारे अंदर एक डीप कंसर्न होता है आज हमारे, जब से हैं, हमारे अंदर एक कंसर्न होता है नारे चेंज नाइन इलेवन के, so, के बाद दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं और सेवन सेवन के बाद यूनाइटेड किंगडम में भी कोई टेरोरिस्ट एक्ट नहीं हुआ जो भी हुए हैं या हुए When you were uh, raised in this country, had you ever heard of a suicide bombing in this country? We were taught that suicide jo hai, is anti-Islamic. अब तो इस तरह ही वे we raised like तो that. इसलिए अब क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि वो terrorism जो, जो this is an imported philosophy. और ये सारा 911 11 करके उसके बाद अफगानिस्तान को center of of सारी war बना के पूरा उसको carpet bombing करके उसके बाद सारे terrorism जो है border cross करके पाकिस्तान में आना था ना उन्होंने और उसके बाद पाकिस्तान के सपोर्ट तो सारा काम करके तो उसका नतीजा ये सारा कुछ हो रहा है ऑल फॉरेनर्स ये हमारे खाते में पड़ गए हैं सारे ये हमारे नहीं है हमने तो, तो मुजाहिदीन बुलाए थे एंड यू नो मुजाहिदीन हमने बुलाए थे ये बाकी जो मुजाहिदीन फॉरनर्स थे ये देट वॉज नॉट दी पाकिस्तान पॉलिसी पाकिस्तान पॉलिसी जिससे सोवियत यूनियन को हराया था वो टू ट्रेन द